मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट लक्ष्मीपुर लहरिया सराय दरभंगा प्ले ग्रुप टू क्लास 10 विद हॉस्टल फैसिलिटी ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन मिनिमम फी कॉन्टैक्ट सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट एपेक्स इंस्टीट्यूट खान चौक दरभंगा बाय डॉक्टर डी कुमार हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है प्रभात तारा पब्लिक स्कूल खाजा सराय लहरिया सराय दरभंगा क्लास नर्सरी से 10 तक छात्रावास की उत्तम व्यवस्था नामांकन के लिए संपर्क करें प्रभात तारा पब्लिक स्कूल इंस्पायर एजुकेशन केयर अपोजिट काली मंदिर दिघी वैश दरभंगा फॉर मेन जी एडवांस नीट ओलंपियाड 8-10 फाउंडेशन फुल्ली एसी एंड डिजिटल क्लासरूम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम स्मॉल बैच ग्रुप कॉन्टैक्ट इंस्पायर एजुकेशन केयर बायो वाटिका दिघी वेस्ट नियर किड्जी स्कूल दरभंगा हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए सीबीएसई एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था जल्द संपर्क करें बायो वाटिका केमिस्ट्री क्लासेस मारवाड़ी कॉलेज के निकट दरभंगा न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट बाई ए के चौधरी हमारे यहाँ 11, 12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है आचार्य रामनाथ झा समृद्धि न्यास एवं मैथिली विभाग MRM कॉलेज दरभंगा में आचार्य रामनाथ झा के जन्म तिथि के मौके पर MRM कॉलेज दरभंगा में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे हमरो एक तनहा आय लागे इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अरविंद कुमार झा जी स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष एवं सीनियर के बारहवीं सदस्य प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी और इस मंच पे विराजमान मैथिली के विद्वान प्रोफेसर जगदीश मिश्रा जी प्रोफेसर रामदेव झा जी श्री अमल झा जी साथ ही साथ सभागार में उपस्थित अति वरिष्ठ मैथिली के मलिक जी जे हारमोनियम पर संगीत संगत करा
बजति। स्मरण व्याख्यान माला के आयोजन कैने रहा और व्याख्यान माला के पहल आयोजन रहे जो हर कर्मभूमि एमआर एम कॉलेज में से आयोजित हुए जैसे कॉलेज के संस्थापक प्रोफेसर में वो रहे मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र कुमार सिंह जी मानव कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद कुमार झा जी और बाकी विद्वान से बहुत लोग शामिल भला और मैथिली के उन्नति के नाम हुए मैथिली भाषा में आचार्य रमानाथ झा के की योगदान रहे अ पर बहुतों विद्वान से अपन अपन विचार दिल्ली जो हालांकि आचार्य की बात है जो आचार्य जितने काम कने रहते अपन जीवन में तेकर बाद कोई बारे में विवेचना करो आप संभव नहीं है क्योंकि बहुत दिन भगवान हुआ उनका देहांत उनका क्षेत्र दो तीन गोटा आवृत थी प्रोफेसर जगदीश मिश्र डॉक्टर गांधी झा अमल झा डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र और उस बहुत कलन श्रृंखला जो व्याख्यान माला के आगू चलत रह और हर साल आप दरभंगा में आयोजित क्या नाम हमारा नाम है यशोनाथ झा हिंदुस्तान अखबार में समाचार संपादक जयंती के अवसर पर आचार्य रमानाथ झा उपन्यास स्मरण व्याख्यान माला के आयोजन कैने रहे और व्याख्यान माला के पहल आयोजन रहे जो हर कर्मभूमि एमआर एम कॉलेज में से आयोजित हुए जैसे एक कॉलेज के संस्थापक प्रोफेसर में वो रहे मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र कुमार सिंह जी मानव कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद कुमार झा जी और बाकी विद्वान से बहुत लोग शामिल भला और मैथिली के उन्नति के नाम हुए मैथिली भाषा में आचार्य रमानाथ झा के की योगदान रहे अ पर बहुतों विद्वान से अपन अपन विचार दिल्ली जो हालांकि आचार्य की बात है जो आचार्य जितने काम कने रहते अपन जीवन में तेकर बाद कोई बारे में विवेचना करो आप संभव नहीं है क्योंकि बहुत दिन भगवान हुआ उनका देहांत उनका क्षेत्र दो तीन गोटा आवृत थी प्रोफेसर जगदीश मिश्र डॉक्टर गांधी झा अमल झा डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र और उस बहुत कलन श्रृंखला जो व्याख्यान माला के आगू चलत रह और हर साल आप दरभंगा में आयोजित क्या नाम हमारा नाम है यशोनाथ झा हिंदुस्तान अखबार में समाचार संपादक थी इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम आचार्य रामनाथ झा जी को अपना श्रद्धा सुमन व्यक्त करना चाहूँगा और साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों को उनकी याद में इस व्याख्यान माला को आयोजित करने के लिए साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा। कहा जाता है कि कोई भी परिवार और समाज आगे बढ़ नहीं सकता है अगर वो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है उनकी सेवा नहीं करता है तथा हमारे जो दादे परदादे हैं उनकी कृतियों को हम आज को याद करके गौरवान्वित महसूस नहीं करते हैं तथा ये संकल्प नहीं लेते हैं कि जो उनकी गौरवशाली परंपरा है हम उसको आगे बढ़ाएंगे पीछे नहीं ले जाएंगे। इसीलिए मैं उनके परिवार के लोगों को बधाई देना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं कि उनकी स्मृति में इस व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं।
मुझे बताया गया कि ये 112वीं जन्म जयंती है एक लंबे समय तक, और ये पहली जन्म जयंती है जो उनकी कर्म भूमि से हट कर जन्म भूमि से हट करके कर्म भूमि पे मनाई जा रही है। आचार्य रामनाथ झा जी इसी विश्वविद्यालय में मैथिली व्याकरण के विभागाध्यक्ष थे और उस रूप में उन्होंने मैथिली साहित्य की भरपूर सेवा की है और उसका ये प्रतिफल है कि उनकी याद में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, उनकी स्मृति में इस व्याख्यान माले में इतने अति विशिष्ट अति वरिष्ठ जन लोग हैं भाग ले रहे हैं। मुझे लगता है कि रामनाथ झा जी का जो पूरा जीवन रहा होगा वो एक प्रेरक रहा होगा। तो आजकल की नई पीढ़ी को चाहिए कि उनके जीवन से वो देखें कि उनकी जीवन की यात्रा क्या रही है और उस रोटी के लिए धन्यवाद। रामनाथ झा जी, रामनाथ झा जी, कभी कभी होते हैं कि शब्द कमजोर पड़ जाते हैं, भाव ज्यादा मजबूत होते हैं। तो रामनाथ झा जी या रमानाथ झा जी, हम लोग उसी आत्मा का या उसी महापुरुष को याद कर रहे हैं जिनकी स्मृति में हम इस व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं। फिर भी जो है इस कोटि का तरफ ध्यान दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य रमानाथ झा जी के जीवन को एक प्रेरक प्रसंग के रूप में देखता हूँ और नई पीढ़ी को चाहिए कि उससे प्रेरणा लें। एक ऐसे शख्स जिन्होंने पूरी जिंदगी मैथिली साहित्य की सेवा में लगा दिया, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है जो मैथिली पढ़ते पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं या शोधकर्ता हैं, उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि हम मैथिली साहित्य को और आगे ले जा करके बढ़ें? जब हम अपने विश्वविद्यालय स्तर पर देखते हैं और जब इनरोलमेंट और एडमिशन का पोजीशन हमको देखा जाता है तो पता नहीं क्यों ये लगता है कि मैथिली में भाग में जो एडमिशन लेने वाले छात्र हैं या उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है और इस घटती हुई संख्या को असंगठित कामगार महासंघ पटना के तत्वाधान में दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के कामगार मजदूरों ने कॉलेज परिसर में एक बैठक का आयोजन कर वेतन भुगतान को लेकर विचार विमर्श किए एवं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मीटिंग चल रहा है यह संघ ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन से संबद्ध बिहार राज्य असंगठित कामगार महासंघ का हिस्सा है और इस मीटिंग से हम संगठन को मजबूत करने और ख़ास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मजदूरों को निर्धारित वेतन से कम मात्रा में वेतन दिया जा रहा है, पीएफ के नाम पर उनसे नाजायज वसूली की जा रही है जबकि सभी कामगारों का पीएफ अकाउंट नहीं खोला गया है लेकिन पीएफ के नाम पर पैसा काटा जा रहा है, इस मुद्दे के ख़िलाफ़ और इन कामगारों के नियमितीकरण के लिए ये संगठन आंदोलनरत है, संघर्षरत है और इसका लड़ाई पूरे बिहार में चल रहा है और उस बिहार के मजदूर आंदोलन के संघर्ष का ही यह संगठन हिस्सा है, उस संघर्ष में शामिल है। आज हम इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए यहाँ जो आउटसोर्सिंग काम कर रही है, यहाँ कॉलेज प्रशासन के मिली भगत से मजदूरों के वेतन का बंदरवाट कर रही है, उस पर रोक लगाने के लिए हम आगे आंदोलन का निर्णय लेंगे। आपने नाजायज वसूली की बात की है, कौन कर रहा है यह नाजायज वसूली? ये नाजायज वसूली जो यहाँ आउटसोर्सिंग काम कर रहा है वो कॉलेज प्रशासन के मिली भगत से दोनों मिल के कर रहा है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश्वर सिंह, जिला सचिव ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और हम लोगों को जो सरकार वेतन देती है उसमें से सिर्फ 4,000 रुपया करके 2100 आदमी का वितरण होता है और शेष जो रकम है वो एजेंसी वाला और प्लस यहाँ के जो स्थानीय प्राचार्य महोदय है और जो कोई हो बंदर बांट करके सब पैसा खा लेते हैं और पीएफ के नाम पर से झुंझुना मिलता है 4,000 रुपया हम लोगों को यहाँ पर भुगतान लगता है 10 साल से।
इससे पहले भी आपने किसी तरह का कहे तो शिकायत कहीं की है? शिकायत अभी तक बोले डिपार्टमेंट में किए हैं, श्रमायुक्त को किए हैं, लेकिन कहीं से कुछ फैसला नहीं आया है। कहीं से किसी तरह का संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? पवन कुमार झा। मुहर्रम को लेकर मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने अखाड़ा वाले जगहों पर लगी गंदगी को घूम घूम कर साफ सफाई किए। वहीं अखाड़ा कमेटी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन के तरफ से साफ सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस बात का नहीं, तभी हम लोग उठवा रहे हैं, हम पैसा दिया इसलिए पूरा उठवा रहे हैं। प्रशासन की एक लापरवाही नजर आई, जो जगह जगह गंदगी का सामना करना पड़ा, जिसको हम लोग निजी खर्च से उसको साफ सफाई करवाए, फिर जाकर के त्यौहार संपन्न हुआ। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन, मिलत मुहर्रम कमेटी, रामगंज दरभंगा। क्या है? सिगरेटरी। अरे बोलते हैं कि स्वच्छ भारत, जब पर्व त्यौहार होता है तो सब सबको साफ रखना है। ये कोई मुहर्रम ही नहीं, दीपावली में भी साफ हो, छठ में भी साफ हो, लेकिन जहाँ जहाँ पे इमामबाड़ा है वहाँ पर तो खास कर सफाई पहले करना चाहिए, और ऐसे जगह पे कचरा नहीं रखना चाहिए जहाँ पे मंदिर हो, मस्जिद हो या इमामबाड़ा हो, वहाँ पे आसपास कचरा नहीं रखना चाहिए। रामगंज नाका छः से पहले एक इमामबाड़ा है जिसपे अभी निजी खर्चे से लोगों ने वहाँ पर कचरा हटाया और पर्व त्यौहार मनाया आज सुबह में करीब 8 बजे। तो ऐसे जगह पर जहाँ पर इमामबाड़ा, मस्जिद हो, मंदिर हो, ऐसे जगह कचरा नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ कहीं पर रहता है तो इमीडिएट उसको साफ करना चाहिए, कोई भी पर्व हो, किसी भी धर्म का पर्व हो। किसकी लापरवाही मानी जाती है? ये म्युनिसिपैलिटी की लापरवाही है। आज मुहर्रम का दसवीं है, इस मौके पर अखाड़ा कमेटी ने शांतिपूर्ण मुहर्रम जुलूस निकाला। तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। हम लोग अपने अपने अखाड़े को लेकर के वापस आ गए अपने मोहल्ले में, और जो भी